जय श्री हरि। स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। संतान सुख की कामना रखने वाले दंपतियों को शनि प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी जाती है, और ऐसे में यदि शनि प्रदोष व्रत सावन माह में पड़ रहा है तो इससे उत्तम तो कोई संयोग हो ही नहीं सकता। 15 जुलाई को पड़ने वाला शनि प्रदोष अपने आप में बहुत उत्तम है। इस वीडियो में जिस कथा को हम सुनने वाले हैं, कहा जाता है इस कथा के श्रवण मात्र से ही संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं थी। संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यानमग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा, क्यों ना साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। साधु ने सेठ और सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताई और शंकर भगवान की निम्न वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशिमोली चंद्रशुक्र नमस्कार, हे उमा कांत सुधि नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। शनि प्रदोष कर रहे सभी व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि व्रत वाले दिन इस कथा का श्रवण और पाठन अवश्य करें। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।